दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10वीं के विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड में दोस्तों विज्ञान सब्जेक्ट में कक्षा 10वीं में 95% लाना एक काफ़ी सरल चीज़ आ जाती है। अगर आप उन बच्चों से पूछो जिन्होंने 95% लाए थे पिछले वर्ष, अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई विज्ञान में 95% लाना आसान है कठिन है, तो आपके लिए कहेंगे कि भाई बहुत सिंपल है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपके यहाँ पर जो 20 से 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के जुड़ जाते हैं, जो कि आपको पूरे पूरे मुफ्त मिलते हैं, और बाकी का जो पेपर बचता है वो भी काफ़ी सरल आता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आती है कि ऐसा होने के बावजूद भी जो है 100 में से जो है दोस्तों 1 से 2% बच्चे जो है विज्ञान में 95% ला पाते हैं, और उसके अतिरिक्त बच्चे जो है बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं या मीडियम रेंज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि वो आपको वीकेस्ट पॉइंट में बताऊँ जहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप मार खा जाते हो और आपके जो कम मार्क्स आते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहे तो आप जो 95% की जो पढ़ाई है वो काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी इस वीडियो में कुछ आपको रामबाण तरीका देने वाला हो या फिर कुछ कोई ट्रिक बताने वाला हो जिससे जो आप पूर्ण रूप से इसमें टॉपर बन जाएंगे। मैं बस आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि रियल में फैक्ट है, और इस फैक्ट पर जो आप कार्य करके जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो विज्ञान सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। देखिए विज्ञान में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको जो है ब्लूप्रिंट तो पता होना चाहिए, और ये सब बताते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात इस ब्लूप्रिंट पर नहीं करेंगे, हम इसी ब्लूप्रिंट की एक चीज़ पर बात करेंगे जिस पर ज़्यादा लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वो चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है कुछ मिनटों में। पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ज़्यादातर बच्चे जो है विज्ञान में इसलिए मार्क्स नहीं ला पाते हैं क्योंकि वे विज्ञान के जो चीज़ें जो वो याद करते हैं, जो मेमोराइज करते हैं, वो उन्हें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है। अब ये फैक्ट मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्णांक का जो 80 अंक का है, हमें ब्लू प्रिंट से कुछ लेना देना नहीं है, आपको एक चीज़ से लेना देना है, वो चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये जो ब्लू प्रिंट है दोस्तों अभी नया है इसके, ये देखिए ये 2019-20 का ब्लू प्रिंट है ये, और ये जो है 2021 में 2017 में चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और ये जो है न्यूएस्ट ब्लू प्रिंट है, इसी के आधार पर जो चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा गया है, कठिनाई स्तर। ठीक है, 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न, 15% कठिन प्रश्न। ये चीज़ जो है दोस्तों ये इससे ये साबित होता है कि भाई जो आपका पेपर है वो 40% जो है सरल आएगा। सरल मतलब इतना सरल कि हर कोई कर सकता है, यानी सरल ये किसके लिए जो 33 मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो वो 40% सरल आएगा, 45% सामान्य आएगा कि भैया अगर आप थोड़ी बोड़ी पढ़ाई करके गए हो तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लिख सकते हो, और 15% जो इसमें कठिन प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस कठिन प्रश्नों के सेक्शन को छोड़ दें और इन दोनों को ही काउंट करें तो यहाँ पर होता है आपका 85%। ठीक है दोस्तों, 85% जो पेपर है वो आपका बिल्कुल सामान्य या सरल आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे सामने क्लियर आ गई। अब दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो टीचर है जो पेपर निकालते हैं, अब उनके लिए कौन से प्रश्न सरल है और कौन से प्रश्न सामान्य है और कौन से प्रश्न कठिन है, ये कैसे पता करें? क्योंकि जब हमको पता ही नहीं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, चलिए मान लीजिए आप साबुन बनाने की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, या सॉरी धातु अधातु में अंतर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये प्रश्न सरल है कि सामान्य प्रश्नों के अंतर्गत आता है कि कठिन प्रश्नों के अंतर्गत आता है? ठीक है, आप ये कैसे बता करेंगे दोस्तों? इसका एक सिंपल सा है कि भाई सरल प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल उन प्रश्नों को लेता है जो पिछले सालों से आ रहे हैं, यानी जो रिपीट हो रहे बार बार, और जिनको याद करना बहुत ज़्यादा सरल है, और जो है हर तीसरे बच्चे को प्रश्न जो है याद रहते हैं, ये हो जाते हैं सरल प्रश्न। अब सामान्य प्रश्न वे प्रश्न जो भाई एग्ज़ाम में इक्का दुक्का आते हैं। ठीक है, जैसे आज ये त्रैमासिक एग्जाम में आ गया, अर्धवार्षिक में आ गया, या फिर चलिए मान लीजिए बोर्ड में आ गया, 2017 में आ गया, 18 में नहीं आया, 19 में आ गया, तो वो हो गए सामान्य प्रश्न। और कठिन प्रश्न वो प्रश्न जो बनाए जाए, खुद बनाए माध्यमिक शिक्षा मंडल, या जो कभी नहीं पूछे गए, या फिर जो पूछे भी जाए उलट पुलट के, यही सामान्य सरल प्रश्नों को उलट पुलट के पूछ लिया जाए, तो आ जाते कठिन प्रश्नों के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ गई, जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे वो आ गए सरल प्रश्न, जो सामान्य प्रश्न, जो कठिन प्रश्न। अब दोस्तों टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, वो उन प्रश्नों को पढ़ लेता है जो भाई सरल है और सामान्य है। ठीक है, ये दो प्रश्न उसके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में जो 15% कठिन प्रश्नों का जो सेक्शन बचता है उन्हें वो नॉर्मली पढ़ लेता है, जिससे एग्जाम में वो इन्हें तो परफेक्टली लिख लेता है। ठीक है, और उसके बाद में जो कठिन प्रश्नों का आता है उनमें वो थोड़ा थोड़ा लिख कर जो है वो 95% या 80% जो है आसानी से गेन कर लेता है। अब दोस्तों ये आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो इस वीडियो के बाद से दोस्तों एक सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जो है फर्स्ट सीरीज़ का नाम होगा सरल प्रश्न, दूसरी सीरीज का नाम होगा सामान्य प्रश्न, और तीसरी सीरीज़ का नाम होगा कठिन प्रश्न, जिसमें हम हमको जो है सीरीज़ वाइज वीडियो वाइज जो इसकी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ तो होगी तैयारी की। अब दोस्तों आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है, आपको ये जो दो प्रश्न है इनकी रोज़ प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों इंसान का जो दिमाग होता है वो एक तरीके से काम करता है कि वो जो है
24 घंटे के अंदर या 48 घंटों के अंदर जो है जो पुरानी जो यादें होती हैं उनको भुला देता है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने याद रखा, जो भी आपके सामने घटनाएं घटी, वो आपको 24 घंटे या आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत शार्प हुए तो 48 घंटे, या आप बहुत भी ज़्यादा शार्प हो फिर भी 4 से 5 दिनों के अंदर आपका जो दिमाग है वो चीज़ें जो है आपके ब्रेन से हटा देगा। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ। अगर आपके सामने कोई दुर्घटना हुई, ठीक है, जिसका आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे दिन देखेंगे तो वही दुख आपका कम हो जाएगा, तीसरे दिन में वो दुख कम हो जाएगा, 4-5 दिनों बाद आप उसको पूर्ण रूप से भूल जाओगे। यही दोस्तों इस चीज़ का भी होता है हमारी पढ़ाई का, कि आप जो आज क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो आपको 2 दिन बाद चलिए थोड़ा बहुत याद रहेगा, 3 दिन बाद आप उसे पूरी तरह भूल जाओगे, 4 दिन बाद जब आप उसे वापस पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एक दिमाग के साथ खेलने की। तो आप जो भी इनकी पढ़ाई करें तो आप ऐसे करें कि भाई आपको रोज़ उनको मेमोराइज़ करना है, रोज़ उनको पढ़ना है, तभी आपके दिमाग में याद रह पाएगी। और टॉपर स्टूडेंट वही करता है, रोज़ सुबह उठकर जो है इन प्रश्नों को प्रैक्टिस में लेकर आ जाता है कि जिससे जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो उसका पेन खुद ब खुद चले, खुद ब खुद आंसर लिखे, उसका दिमाग को ज़्यादा जोर लगाना ना पड़े। हर एक टॉपर स्टूडेंट जोर लगाते हैं इन कठिन प्रश्नों में, क्योंकि ये जो है प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कभी आए नहीं है या जिनका आपने कभी चेहरा नहीं देखा, वो प्रश्न इन कठिन सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको फोकस करना है 85% पर। ठीक है, ये चीज़ें जो है आपको बहुत से दोस्तों आई थिंक आपको इस चीज़ें समझ गई होगी। ठीक है, ये ब्लू प्रिंटर तो चलिए आप सभी बताते हैं कि भाई ब्लू प्रिंटर के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ों पर जोर देते हैं, जो आपको बताते हैं कि भाई इन चीज़ों को भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और 85% पेपर सरल होता है। और जो दोस्तों आने वाली जो हमारी विज्ञान की सीरीज रहेगी उसमें मैं आपको ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो कि काफ़ी सिंपल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हैं, जिससे आप जो है अपना 85% जो क्लियर कर सके, और जो 15% वाला सेक्शन है ये आप बाद में भी इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक थिंग थी, लोग हमेशा जो कठिन सेक्शन होता है उसकी तरफ जाते और कहते सरल हम लास्ट में कर लेंगे, लेकिन ये दोस्तों आपकी भूल है। सबसे पहले आपको इस सरल वाले को निपटा देना है, उसके बाद में आपको जो कठिन प्रश्नों की ओर जाना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें थी। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जो आने वाली जो सीरीज़ है उसका थंबनेल भी बिल्कुल यही रहेगा, बस यहाँ पे Part 1, Part 2, Part 3 लिखा रहेगा, जिसको जो आप जो है काफ़ी अच्छी प्रकार से जो है समझ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।